ये भाजपा के गुंडे आम आदमी पार्टी के नेताओं पे जरूर हमला करते हैं। आम आदमी पार्टी के नेताओं को मारने के लिए, पीटने के लिए, उनका सर फोड़ने के लिए ये जो हमला हम पर हुआ, सीधे तौर पे ये दिखाता है कि अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की बढ़ती लोकप्रियता और गुजरात में बढ़ता हुआ राजनीतिक ग्राफ, गुजरात में बढ़ती हुई राजनीतिक जमीन आज भारतीय जनता पार्टी को इतना दर्द दे रही है कि भाजपा घबरा गई है और मार पिटाई और गुंडागर्दी पे उतर आई है। साथी, पंजाब में जितना नशा आता है, जितना ड्रग्स का सप्लाई होता है, उसमें एक बहुत बड़ा तादाद, एक बहुत बड़ी तादाद, बड़ी क्वांटिटी ड्रग्स की गुजरात के पोर्ट से आती है। मैं सीधे तौर पर कहना चाहता हूँ, आरोप लगाता हूँ कि ये इल्लीगल शराब का और ये नशे का कारोबार भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता चलाते हैं। भारतीय जनता पार्टी का कोई मुकाबला कर सकता है तो शख्स का नाम है अरविंद केजरीवाल, उस पार्टी का नाम है आम आदमी पार्टी। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे इनकलाब इनकलाब, गणपति बाप्पा मंगल मूर्ति। आज सबसे पहले भगवान गणेश के महोत्सव की, गणेश चतुर्थी की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। भगवान गणेश से प्रार्थना करते हैं कि भगवान गणेश आम आदमी पार्टी को इतनी शक्ति दें, इतना बल दें कि हम इन भारतीय जनता पार्टी के गुंडों से मजबूती से लड़ सकें। और साथ ही साथ भगवान गणेश से ये भी प्रार्थना करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों को थोड़ी सद्बुद्धि दें कि राजनीति के मैदान में राजनीतिक तौर पर लड़ाइयाँ लड़ें। गुंडई और मवालीगिरी से, आम आदमी पार्टी से या विपक्ष के लोगों से लड़ाई ना लड़ें। साथियों, आज हम यहाँ एकत्रित हुए हैं क्योंकि आम आदमी पार्टी के गुजरात के महामंत्री मनोज भाई सोराथिया को भारतीय जनता पार्टी के गुंडों ने कल शाम को बेरहमी से मारा और उनका सर फोड़ दिया। मैं अभी सीधा अस्पताल से आ रहा हूं, मनोज भाई से मिलकर आ रहा हूं और मनोज भाई का पूरा सर यहां से लेकर पीछे तक भारतीय जनता पार्टी के गुंडों ने फोड़ दिया। कभी आपने सुना कि भाजपा के लोगों ने कांग्रेस के किसी नेता का नाखून भी छीला हो, नाखून भी तोड़ा हो? नहीं सुना। लेकिन ये भाजपा के गुंडे आम आदमी पार्टी के नेताओं पर जरूर हमला करते हैं। आम आदमी पार्टी के नेताओं को मारने के लिए, पीटने के लिए, उनका सर फोड़ने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं। ये दिखाता है कि आम आदमी पार्टी के एक एक कार्यकर्ता की मेहनत और अरविंद केजरीवाल जी की गुजरात में बढ़ती लोकप्रियता से भारतीय जनता पार्टी इतनी डर गई है, इतना घबरा गई है कि आज वो हमारे नेताओं पे हमला करना शुरू कर दिया। इन लोगों ने हमारे नेताओं को मारना पीटना शुरू कर दिया। मैं भारतीय जनता पार्टी के गुंडों को कहना चाहता हूं कि हमारे साथी मनोज भाई के खून के एक एक कतरे का बदला आने वाले चुनावों में गुजरात की जनता भाजपा से लेगी, गुजरात की आवाम बीजेपी से लेगी। साथियों, ये गुजरात की संस्कृति में नहीं है कि गुंडागर्दी करी जाए, ये मार पिटाई गुजरात की संस्कृति के खिलाफ है। और गुजरात वो धरती है जिस धरती में पूरी दुनिया को अहिंसा का पाठ पढ़ाने वाले परम पूज्य बापू महात्मा गांधी इस धरती पे जन्मे थे। ये महात्मा गांधी जी की धरती है
जिन्होंने पूरे देश दुनिया में अहिंसा की ताकत और अहिंसा का पाठ पढ़ाया। मैं आज इस धरती से आम आदमी पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के गुजरात के गुंडे चाहे जितनी मर्जी हिंसा कर लें, हम लोग महात्मा गांधी के रास्ते पे चलकर अहिंसा से भारतीय जनता पार्टी के गोरे अंग्रेजों को हराएंगे और सत्ता के गलियारों से इन्हें निकालकर बाहर फेंकेंगे। मुझे जैसे ही पता लगा कि हमारे महामंत्री पे हमला हुआ, मैं सीधा यहां आ गया। मैं पंजाब में था, कल रात पंजाब में बिताई और जैसे ही सूचना मिली सुबह निकलकर आज सूरत की धरती पर आया आप सब से मिलने, आप सबका हौसला बढ़ाने। और यहां आकर ऐसा लगता है कि हौसला बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं थी, आप सबका जोश, आप सबकी ताकत, आप सबका हौसला पूरी तरीके से बुलंद है। यहां देखकर आप सबके अंदर जो जोश है, जो हौसला है, जो ताकत है, वो देखकर समझ में आता है कि भारतीय जनता पार्टी क्यों आम आदमी पार्टी से इतना घबराती है, क्यों आम आदमी पार्टी से इतना डरती है। ये जो हमला हम पर हुआ, ये हमला सीधे तौर पे ये दिखाता है कि अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की बढ़ती लोकप्रियता और गुजरात में बढ़ता हुआ राजनीतिक ग्राफ, गुजरात में बढ़ती हुई राजनीतिक जमीन आज भारतीय जनता पार्टी को इतना दर्द दे रही है कि भाजपा घबरा गई है, डर गई है और मार पिटाई और गुंडागर्दी पे उतर आई है। साथियों, मैं सीधे तौर पे आज सीआर पाटिल साहब को और गुजरात के मुख्यमंत्री को कहना चाहता हूं कि अगर गुजरात की कानून व्यवस्था आपसे नहीं संभलती, अगर गुजरात को आप लोग नहीं संभाल पा रहे, तो इस्तीफा दे दो, कल चुनाव कराओ, आम आदमी पार्टी कल चुनाव के लिए तैयार है। आम आदमी पार्टी कल चुनाव के लिए तैयार है। ऐसी निकम्मी सरकार चलाने से तो बेहतर है कि इस्तीफा दो, राजनीति के रण के मैदान में आओ और जनता को एक नई सरकार चुनने का मौका दो। मैं गुजरात आया, पंजाब से आया, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज पंजाब में जितना नशा आता है, जितना ड्रग्स का सप्लाई होता है, उसमें एक बहुत बड़ा तादाद, एक बहुत बड़ी तादाद, बड़ी क्वांटिटी ड्रग्स की गुजरात के पोर्ट से आती है। अभी कुछ दिन पहले आप सबने देखा कि कैसे कई हजार करोड़ का ओपियम, हेरोइन, नशे के पदार्थ, ड्रग्स गुजरात के पोर्ट पे बरामद किए गए। आज गुजरात का पोर्ट हिंदुस्तान में नशे की सप्लाई का एंट्री पॉइंट बन चुका है। यह सब कैसे हो रहा है गुजरात में? हजारों करोड़ का नकली शराब का व्यापार सालाना, इल्लीगल शराब का व्यापार सालाना गुजरात में होता है। कौन करता है नशे का व्यापार? कौन करता है ये नजायज इल्लीगल शराब का व्यापार? मैं सीधे तौर पर कहना चाहता हूं, आरोप लगाता हूं कि ये इल्लीगल शराब का और ये नशे का कारोबार भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता चलाते हैं। आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी तो आम आदमी पार्टी जांच भी कराएगी और गुजरात के उन भाजपा के नेताओं को जेल में भी डालेगी जो लोग नशे और इल्लीगल शराब का व्यापार करते हैं। साथियों, आप लोग कुछ दिन से
न्यूज चैनल पर देख रहे होंगे कि कैसे भाजपा के लोग दिल्ली में आम आदमी पार्टी को तोड़ना चाहते हैं। देखा नहीं देखा सबने, आम आदमी पार्टी के विधायकों को खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने हजारों करोड़ खर्च करके महाराष्ट्र की सरकार गिरा दी, हजारों करोड़ खर्च करके कर्नाटक की सरकार गिरा दी, हजारों करोड़ खर्च करके मध्य प्रदेश की सरकार गिरा दी, हजारों करोड़ खर्च करके उत्तराखंड की सरकार गिरा दी, न जाने कौन कौन से राज्य की सरकार गिरा दी। दिल्ली में भी आए थे 20-20 करोड़ का बैग लेकर सरकार गिराने, केजरीवाल के विधायक खरीदने। और भारतीय जनता पार्टी को मैं कहना चाहता हूं, वो महाराष्ट्र की दूसरी पार्टी के या कर्नाटक में किसी पार्टी के विधायक हो गए होंगे जो बिक गए, दिल्ली के विधायक केजरीवाल के विधायक हैं। आम आदमी पार्टी वाले इस मिट्टी के नहीं बने जो तुम्हारे करोड़ों रुपए देखकर घबरा जाएं, तुम्हारे करोड़ों रुपए से बिक जाएं। भाजपा का ऑपरेशन लोटस आम आदमी पार्टी के खरीदने का, आम आदमी पार्टी को तोड़ने का ऑपरेशन लोटस अरविंद केजरीवाल ने ध्वस्त कर दिया दिल्ली में। मैं आज इस गुजरात की धरती से अरविंद केजरीवाल जी को बधाई भी देना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के ऑपरेशन लोटस को आज केजरीवाल साहब ने जो ध्वस्त करके उसे हराकर एक मैसेज दिया है कि अगर पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी का कोई मुकाबला कर सकता है तो शख्स का नाम है अरविंद केजरीवाल, उस पार्टी का नाम है आम आदमी पार्टी। साथियों, आम आदमी पार्टी की बढ़ती लोकप्रियता देख, बढ़ता जन समर्थन देख, आप सबको और हम लोग के लिए भी तैयार होना पड़ेगा और मेहनत करने के लिए भी तैयार होना पड़ेगा। और अब लोग, अब ये भाजपा के लोग आम आदमी पार्टी के बढ़ते ग्राफ को देख, हो सकता है आप सब पर भी हमला करें, हो सकता है मंच पर बैठे और नेताओं पर भी हमला करें, लेकिन मैं बीजेपी को कहना चाहता हूं कि आपके पाप का घड़ा भर चुका है, आपके पाप का घड़ा भर चुका है। और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का साधारण गुजराती के एक एक खून के पसीने के कतरे का बदला इस बार गुजरात की जनता आने वाले 2022 के चुनाव में लेगी, आने वाले 2022 के चुनाव में लेगी। साथियों, आज इस मन से मैं गुजरात की सरकार, सीआर पाटिल की भाजपा सरकार के इस्तीफे की मांग करता हूं। इस मन से कहना चाहता हूं कि अगर भाजपा के लोग गुजरात में कानून व्यवस्था नहीं बना पा रहे, गुजरात के स्कूल ठीक नहीं कर पा रहे, गुजरात के अस्पताल ठीक नहीं कर पा रहे, गुंडों को सरेआम मार पिटाई के लिए छोड़ रखा है, तो सीआर पाटिल साहब आप अपनी सरकार से इस्तीफा दिलवा दो। आम आदमी पार्टी के लोग चुनाव के लिए तैयार हैं, आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता चुनाव के लिए तैयार है। आज मनोज भाई इस मंच पे तो हमारे साथ नहीं है, हमारे महामंत्री मनोज भाई अस्पताल में अपना इलाज करवा रहे हैं। मैं आप सबकी ओर से भगवान गणेश के चरणों में ये निवेदन रखता हूं, ये प्रार्थना रखता हूं कि हमारे महामंत्री मनोज भाई को जल्द से जल्द ठीक करें, जल्द से जल्द उनके घाव भरें और वो फिर से एक बार आप सबके बीच, आप सबको नेतृत्व देने के लिए हम सबके बीच आएं और भारतीय जनता पार्टी के गुंडों को मुंह तोड़ जवाब दें।
अब हम लोग इस सभा के बाद यहां से एक पदयात्रा निकालेंगे। बाजू में ही पुलिस स्टेशन है, पुलिस स्टेशन तक जाएंगे और वहां जाकर अहिंसा और शांति से भाजपा के गुंडों पर FIR दर्ज हो, भाजपा के गुंडों पर धाराएं लगाई जाएं, उन्हें गिरफ्तार किया जाए, ये मांग रखेंगे। आप सब पूरे अनुशासन से शांतिपूर्वक हमारे साथ इस पदयात्रा में चलिएगा। एक बार फिर से मेरे साथ भारत माता का नारा बुलंद करेंगे, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे, इनकलाब इनकलाब। खूब खूब आभार। हवे अहींयाथी जे प्रमाणे सूचना आपे ए प्रमाणे निकळशुं एकदम।